रुख अगली खबर का। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के चुनावी घमासान में। एमआईएम नेता ओवैसी का तड़का लगते बयानबाजी के लिए मशहूर। मोदी के मंत्री एक्टिव हो गए हैं। ओवैसी पर गिरिराज सिंह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी से निपटना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। शैतान कहा है कि ऐसे शैतानों से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सीमांचल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है केंद्रीय मंत्री ने। ओवैसी को कहे हैं कड़े आपत्तिजनक शब्द। हम सुनवाते हैं आपको बातचीत। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने गिरिराज सिंह से बात की है। ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ेंगे और क्या होगा ओवैसी के आने के बाद बिहार की राजनीति का, हमारे साथ बात करने के लिए हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी, ओवैसी बिहार के सीमांचल की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे अब लग रहा है कि चुनाव आयोग के लिए एक अग्नि परीक्षा आ गया है। एक करेलाती दूजे नीम चढ़ाए। पहले तो एक लालू जी थे जो ऐसी भाषा का प्रयोग गांधी मैदान के मंच से या एक चैनल के कंक्लेव में मैंने देखा, जो लग रहा था कि शायद जात में जहर बो रहे हैं। तो एक करेलाती दूजे ने एक और विषधर आ गए ओवैसी। ये दोनों समाज में विष न फैलाएं, मुझे भय है। और चुनाव आयोग के लिए ये अग्नि परीक्षा होगा। ऐसे विष बवन करने वालों पर, लालू प्रसाद यादव ओवैसी दोनों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। लेकिन आप पर भी ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं कि आपकी भी जो की जो बातें होती हैं आपके मुंह से विष ही निकलता है। नहीं, मैं चुनौती के साथ कहूंगा कि अगर मेरे पास जैसे अभी रहे कि मैं पैरेलल आपको दे रहा हूं और मैं बाइट मेरे पास रहता तो बता देता कि मैंने क्या कहा है। मेरे वक्तव्य का कट एंड पेस्ट किया गया है, मैं कभी इस तरह का वक्तव्य नहीं देता। लेकिन ये दोनों, एक का 30 तारीख को देखा, एक दिन का एक चैनल का कंक्लेव था उसमें देखा, विष बवन कर रहे थे लालू जी। अब एक नए आ गए, एक ये दोनों मिलके समाज में कहीं एक ऐसा वातावरण ना बना दें कि चुनाव आयोग के लिए परेशानी हो जाए। इसलिए चुनाव आयोग के लिए चुनौती है कि इन दोनों पर अंकुश। जेडीयू ने कहा है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के एजेंट है। जेडीयू के प्रवक्ता का बयान, भगवान न करे कि हमारा कोई ऐसा विष बवन करने वाला ऐसे लोगों से इस जन्म कौन कहे, कई जन्मों में हम बीजेपी को तो दूर दूर इन शैतानों से कोई संबंध नहीं हो सकता। आपकी लड़ाई क्या सीमांचल में ओवैसी की पार्टी से होगी? हमारी प्रयास, हमारा आरजू, हमारा विनती जनता से है, चाहे सीमांचल हो, चाहे मध्य हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण।